मार्ग में आ अपने जैसा खुदा तू मुझको का हाल देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है अभी मौसम के हाल। इट्स गोइंग टू रेन, पूरा काला काला हुआ पड़ा है सारा बार, तो बाइक से तो अपन जा नहीं सकते। सो राइट नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम कार टू माय स्कूल। सो व्हाट्स अप माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज आरपीजे एंड आई होप यू आर फाइन। फिलहाल चलते हैं स्कूल, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। एंड आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज बड़े ही टाइम के बाद हमारे सभी पास्टर्स के दिल्ली के सभी पास्टर्स की मीटिंग है हमारी शाम को। एंड ऑल द बिशप्स आर कमिंग टू आवर चर्च एंड दिस इज सो मच एक्साइटिंग फॉर द डे एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट देम। यस, बड़ी अपनी बाइक जरूरी अपनी कार और हम जा रहे हैं स्कूल। आफ्टर जरिंग बहुत इफेक्ट पड़ा है मुझे, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क लगता है अपने शरीर में, बेल्ट लगाने पे, कपड़े पहनने पे, चलने पे, फिरने पे, बाइक चलाने में, यहाँ पे ऐसे कार चलाते हुए सिटिंग में, सो बहुत फ़र्क पड़ता है और पता भी चलता है। सो अभी हम उस दौर में हैं जब हम अपनी बॉडी को शेप में लेके आ रहे हैं और चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। और मैं अपनी दवाइयाँ भूल गया हूँ ऊपर, साक्षी उन्हें लेके आ रही, जब तक करते हैं गाड़ी को पीछे। अरे अंकल थैंक यू, अंकल ने डाली दी, थैंक यू। ऊपर से बैग है, चलो चलते हैं। सो देखो भाई, अगर मेरे पास कार नहीं होती तो शायद मेरे को भीगते हुए जाना पड़ता या फिर मेरे को कैब करनी पड़ती, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव अ कार एंड आई एम ड्राइविंग एंड आई एम गोइंग टू माई स्कूल। सो गाइज, वट एवर यू हैव, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, जो जिससे आपकी जो है, आपको जो है बहुत सहूलियत रहती है ज़िंदगी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें भी नहीं है, सो एवरी टाइम गिव थैंक्स। ये बात मेरे दिल में आई, इसमें मैंने आप सबसे शेयर कर दी, बट वी शुड ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर थिंग्स दैट वी हैव। यूजली वी डोंट, बट वी शुड ऑलवेज डू इट, क्योंकि जो है ना, अगर करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो भी मिलेगा पर फिर मज़ा नहीं आएगा उसका। अरे मेरी गाड़ी रुक गई यार। So what's up my lovely people, just got free from the school, now going back to school। और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी है घर जा करके। अभी घर जाऊँगा, फिर कुछ खाऊँगा, उसके बाद 4 बजे जिम के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर 6 बजे है आज हमारी पास्टर्स मीटिंग, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। सो एवरी वन इज़ कमिंग, इट विल बी ग्रेट टाइम विद ईच अदर। सो जल्दी से चलते हैं घर, फिर अपने आप को तैयार करते हैं और निकलते हैं जिम के लिए। ओके, 4 से 5, 5:15 तक जिम करेंगे, तैयार होंगे, फिर 6 बजे की मीटिंग में निकल जाएंगे। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे ही है, सो लेट्स गो। सो गाइस, जिसकी वजह से मैं हमेशा लेट होता हूँ ना घर के लिए, अगर मैं गाड़ी से आ रहा हूँ तो, वह है हमारे घर के बिल्कुल पास वाला जाम, जो कि नाले पे अक्सर ये वाला लगता ही है। सो आई एम स्टक इन जाम वंस अगेन, 5 मिनट का रास्ता नहीं है यहाँ से, और इस जाम की वजह से ये रास्ता बन जाता है 15-20 मिनट का। मेरे आगे गाड़ी चल रही है,
जिसमें से वो बंदा बार बार गेट खोल के बाहर झांक करके थूक रहा है गुटका। भाई क्यों खाते हो इतना आ? क्या बोले अभी बंदे को, गंदगी मचा रखी बिल्कुल ही। बस गेट खोला बाहर निकाल के थूक दिया, शीशा खोला बाहर निकाल के थूक दिया, ये चल रहा है जब से। ये जा रही सामने गाड़ी, चार बारी तो मेरे सामने थूक चुका है। अभी साइड में डिवाइडर आ गया जिसकी वजह से गाड़ी नहीं खुल पाया, तो उसने शीशा खोला फिर थूक दिया। तो मुझे पता चल रहा है कि ये जो सामने वाला है इसकी गाड़ी पे लिखा है पुलिस। ये पुलिस वाले हैं, वाओ। पुलिस वालों का काम है गंदगी हटाना, ये गंदगी बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज उसके ऊपर ये लिखा है एग्जैक्टली यूनिक। यस ब्रो यू आर यूनिक। देखो भैया सुधारना है सुधर जाओ, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। सुधारने के लिए सुधारोगे तो नहीं सुधरेगा कोई, सुधर जाओ सब सुधर जाएंगे, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को बताया था कि आज है हमारे चर्च में हमारे सारे बिशप्स एंड पास्टर्स की जितने भी दिल्ली के हैं उनकी मीटिंग। सो वी आर गोइंग देयर एंड वी आर रेडी टू गो। हाउ आर यू फीलिंग, आर यू एक्साइटेड फॉर द डे? यस आई एम। फॉर दिस इवनिंग? मैं तो बड़ा खुश हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद गुड कैमरा फॉर मी है ना। तो हम जो है बहुत टाइम के बाद सबसे मिलेंगे, खास तौर से हमारे सारे बिशप से। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यस, दो साल से मैं तो खुद ही नहीं गया लखनऊ कभी अभी तक। तीसरा साल है। मैंने देखा भी नहीं, इतनी पास से निकाली वो तो उसके बाइक से गाड़ी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने सोचा मैं भूल गया अपना वाला कैमरा वहाँ पे ऊपर। फिर मैंने सोचा क्या चलो फ़ोन से कर लेंगे आज ब्लॉग। फिर मेरे को सामने आप दिखे तो मैंने कहा अरे ये तो है यहीं पे। आते कहते ब्लॉगर के हर कोने में कैमरा होना चाहिए। तेरा भाई कल मार देता आंटी को। आंटी हट जाओ। कल मार देता। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मौज आ रही है, बहुत ही मौज है। किधर है ये सब? किधर ये मौज है? गाना सुना दो मौज पे। अरे मौज आ गई ओ बेटे। सो फाइनली वी आर हियर फॉर द मीटिंग एंड वी हैव रीच्ड, एवरीवन इज हियर, लेट्स सी कौन कौन आया। नया अपना स्टोर शुरू किया है और 5 दिन वहां से गैर हाजिर, लेकिन पहला काम खुदा का है। सो यस अजीज, अब हम घर आ चुके हैं और अभी बन रही है, क्या बन रही है? कॉफी। दाल भगोना कॉफी? दाल भगोना नहीं बनेगी, पर ये बनेगी एक्सप्रेसो टाइप कॉफी। एक्सप्रेसो बोलते हैं या कैपेचिनो बोलते हैं? इसको कैपेचिनो कॉफी बनेगी। एंड हमारे साथ आज है हमारे जिम इंस्ट्रक्टर हरीश चौहान। यो हरीश चौहान है, राजपूत। हरीश राजपूत ये हैं, हरीश राजपूत। एंड इफ यू वांट पर्सनल ट्रेनिंग यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। है ना भाई, पर्सनल ट्रेनिंग देते हो ना पूरी? काय काय की पर्सनल ट्रेनिंग देते हो बता? क्रॉसफिट, कार्डियो, मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इफ यू वांट लूज वेट यू कैन कॉल कांटेक्ट विद मी। ओए थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ। इफ यू वांट एनी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग बॉडी, यानी कि क्रॉसफिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, वेट लॉस, वेट गेन, भाई का खुद का नहीं होता वेट गेन, पर दूसरों का जरूर करा देगा क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेता। बाकी सब बढ़िया है, मजे में है। सो शरीर देख के मत जाना, काबिलियत को देखो, है ना भैया? Yes. सही कह रहे ना जी? सही कह रहे ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे ना? सो अभी अभी हमारे घर में आने वाले हैं शानू भैया, जो कि हैं हमारे बिशप, एंड ही विल बी कमिंग। सो अच्छा टाइम रहेगा हमारा। आज भाभी पंजाबन लग रही है एकदम। यू कैन कमेंट पंजाबन छोड़ी पंजाबन। हे भैया भाई जमा दिल चुरा के ले गई। कह रहे पंजाबन लग रही है? पंजाब लग नहीं रही है, वो है भाई। मतलब आज उन्होंने जैसे पहना है ना तो वो आउटफिट अच्छा लग रहा है। पंजाबन वो मेहता है। मेहता जी सनमपुरी के गाना नहीं था? मेहता कौन सा था वो गाना? मेहता गीता मेहता।
ऐसे कुछ हम ऐसे गाते थे भाई के सामने, मेहता मेहता जब बंटी भाई की सेटिंग चल रही थी तब की बात है। सो गाइज वी हैड फन आज बहुत टाइम के बाद, मतलब पूरे साल भर के बाद हमारी ऐसी कोई पास्टर्स की मीट हुआ एंड इट वॉज गुड। कल भी एक अच्छी मीटिंग है, उसमें भी हम जाएंगे, सो होपफुली आपको दिखाएं वो वाली मीटिंग में। लिख दो एवरीथिंग इज गुड, ऑल सेट टू गो गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं शानू भैया को लेने, लाइट में लेने जा रहे हैं हम। ये है खोई, अच्छा तो चलते हैं और मिलते हैं लाइट बन को। सो यस माई लवली पीपल, अभी रात के बज रहे हैं 2:30 एंड समय हो गया है कि हम व्लॉग को एंड यहीं पे करें। वी हैड अ ग्रेट टाइम विद आवर बिशप पास्टर शैलेंद्र दास, जो कि हमारे घर आए थे एंड उन्होंने बहुत सी बाइबल की बातों से हमें सिखाया, हमें बढ़ाया और हमें बताया कि अपनी लाइफ में हमें और क्या क्या करना चाहिए। अच्छा सो अगर कभी मौका मिला हमें उनके साथ बात करने का तो मैं ज़रूर से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम उनके साथ बात करें और आप तक कोई अच्छा मैसेज पहुंच सके। बट टुडे वॉज अ टाइम फॉर अस ओनली, इसलिए मैंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया, कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें वो सब बातें किए जाएँ या फिर जो भी हो रहा था वो सब के बारे में। बट इट वॉज अ गुड टाइम कि वो यहाँ पर थे, बहुत सारी बातें उन्होंने करी हमारे साथ, बहुत सारी प्रेयर्स हमारे लिए करी एंड बहुत सारी चीज़ें हमें आज के इस टाइम में समझ में आई। सो आशा करते हैं आज का व्लॉग, ज़्यादा कुछ था नहीं इस व्लॉग में, आज हमने कुछ ऐसा कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया, बट यही शेयर करूँगा दैट ही जस्ट शेयर्ड एंड आई विल रिमेंबर दिस इन माई एंटायर लाइफ, दैट डू नॉट रिजेक्ट द जेंटल फ्लोइंग फाउंटेन ऑफ शिलो। मीन्स जो आपके पास आ रहा है, जो आपको ऊपर से आ रहा है, व्हाट इज कमिंग टू यू फ्रॉम गॉड, नेवर रिजेक्ट इट एंड इट शुड बी योर प्रायोरिटी। सो आज अगर आप इस बात को समझ पा रहे देन लर्न इट एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ, नेवर रिजेक्ट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज योर लव इज ऑल वी नीड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। वो लगा ना कौन सा है जो हम गाते थे, तू बता नेपाली तू क्या, तू बता नेपाली तू बोल। वो तो मैं था, तू बता नेपाली तू। मैं तो दिल्ली का हूँ, मैं प्योर दिल्ली, प्योर डेलाइट।